स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन में। स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन में आज का हमारा जो ये चैप्टर है उसका नेम है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का हमारा चैप्टर है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स विनवर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस में से एक है। आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताऊं, कमेंट का यूज क्या होता है। किसी भी चीज में हम कमेंटिंग कर रहे हैं, ओके? तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स विनवर्ड में क्या इसका इस्तेमाल है वो हम कवर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले न्यू कमेंट्स का ऑप्शन आता है। तो न्यू कमेंट्स में हम यूज करते हैं, न्यू कमेंट्स में हम जो है नए कमेंट्स ऐड करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि क्रिएट अ कमेंट्स ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। हमें अपने टेक्स्ट के लिए कमेंट क्रिएट करना है, ऑलराइट? और ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। तो कमेंट का सिंपली मीनिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे किसी वर्ड, लाइन, पैराग्राफ को कमेंट करना, यानी कि उसके बारे में बताना, उसी को हम कमेंट कहते हैं। तो आइए चलते हैं विनवर्ड की स्क्रीन पर और अच्छे से इसे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे हम, ऑल्ट आर, यहाँ पे हमारे पास ये रहा न्यू कमेंट। तो सबसे पहले कमेंट देने के लिए सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। यहाँ मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट आर सी। जैसे ही आपने ऑल्ट आर सी दबाया, यहाँ मेरे पास कमेंट का बॉक्स आ गया साइड में। तो ये मैं दे सकती हूँ क्या वीडियो, तो आप देख सकते हैं कमेंट में। मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे ग्रामेटिकली सही है या गलत, या आप हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो, मैं कुछ भी कमेंट में लिख सकती हूँ। कमेंट आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ओके? ये एंड नोट और फुट नोट की तरह नहीं है कि भाई फुट नोट में उसका मीनिंग लिखना पड़े। ये आपके ऊपर है कमेंट में कि आप क्या उसमें लिखना चाहते हो, या कोई किस्सा आपको याद आ रहा है, कोई कहानी याद आ रही है, आप उस वर्ड से रिलेटेड वो भी लिख सकते हो। तो कमेंट का यही मतलब होता है। अब मुझे नेक्स्ट कमेंट देना है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करेंगे हम हेल्प ऑल्ट आर सी। तो आप इसमें, मैं हेल्प नहीं मांगती, मतलब हम अपने हिसाब से इसमें इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं कमेंट, ओके? तो यहाँ पे अब हम चलते हैं डिलीट। हमें किसी भी कमेंट को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले कमेंट को डिलीट करना है, तो इसको क्लिक कर दो ऑल्ट आर डी। तो ऑल्ट आर डी से डिलीट कर दीजिए, तो वो कमेंट चला गया, डिलीट हो गया हमारे पास से, ऑलराइट? यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कमेंट है। अब मुझे नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, तो उसके लिए ऑल्ट आर एन, आ गए हम नेक्स्ट पे। इसी के साथ अब मुझे प्रीवियस पे जाना, ऑल्ट आर वी, ऑल्ट आर एन, ऑल्ट आर वी। इस तरीके से हम नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं। उसके अलावा ये शो कमेंट्स है, मतलब अभी हमें कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऑल्ट आर के, अब नहीं दिखाई दे रहे, ओके? तो बस यहाँ पे एक मैसेजिंग का एक बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे सी कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मुझे नहीं देखने कमेंट तो हम नहीं देखेंगे, अगर देखने तो वही ऑल्ट आर के कर दीजिए, यहाँ पे हमें कमेंट दिखाई दे गए। तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस कम से कम 5 कमेंट अपनी फाइल पे जरूर दीजिए, ओके? तो इस तरीके से हमारे कमेंट बॉक्स का यूज होता है। कमेंट कैसे देते हैं, किस प्रकार कमेंट को डिलीट किया जाता है, किस प्रकार प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, तो आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।